चलेगा, अक्षय का जब दीप जलेगा, तब कोई ना तुझे चलेगा। मेरा तू चला जाएगा, उजाला पास तेरे आएगा। अंधेरा दूर चला जाएगा, गांव की हर मौसी ताई लिखेगी अपनी चिट्ठी भाई, लिखेगी अपनी चिट्ठी भाई। अंधेरा दूर चला जाएगा, उजाला पास तेरे आएगा। अंधेरा दूर चला जाएगा, उजाला पास तेरे आएगा। जनता कहाँ है? टीवी जा है। सो जा शुरू। कैसे गुरु? सुना तो एक कहानी। एक था राजा, एक थी रानी। हो गई कहानी बहुत पुरानी। एक जंगल में रहता था एक शेर। रहता था तो रहने दे, तुझको है क्या बैर? पेश है किस्सा अली बाबा और 40 चोर। सुन सुन कर इसको हो गई जनता भो। चंदा मामा दूर से। सुनाना भी मत भूल से। सुनाओ कैसी कहानी, बोल मेरे साथ। जो जनता करे बरसों याद। इसी गांव में रहती होनहार बीरवान एक औरत। झट सुना कहानी उसकी, ज्यादा बक बक कर मत। तुझे बता, बम्बई का भूत अभी उतरा ना था, जे तूने दुबई ड्राइवरी की अर्जी भेजने की क्या सोची? आपको किसने बताया? कल शाम तेरे घर गई थी, तेरे बाल बच्चों की खैर खबर लेने। वहीं बताया राधा ने। वहाँ 12,000 पगार है। अरे बीए बीटी है, किसी स्कूल में लग जाएगा तो 6,000 मिलेंगे। बीवी बच्चे साथ रहेंगे सो अलग। ऊपर से घर का अनाज दूध दही असली, खेत खलिहान की देखभाल, माता पिता की सेवा का सुख, ये सब कुछ कम है क्या? पर मंगली का ब्याह जो करना पड़ेगा। 16 साल की है मंगली, अगर 6 साल से पहले उसका ब्याह किया तो तेरी खैर नहीं। पर बर तो अभी से ढूंढना पड़ेगा। अरे उससे आगे और पढ़ा, बर उसे खुद ही ढूंढ लेगा। पर मेरी रुकनिया तो अब 22 साल की होने को भाई, उसके साथ की चोलागढ़ की मीरा है ना, वे तो भगवान की दया से 5-5 बच्चे है। हाँ, और 5वें बच्चे में उसका क्या कहते हैं बचना मुहाल हो गया था। अरे मंगल देव जी समझाओ इन्हें। देखो भाई लता जी, अब बात चल रही है तो कह रहा हूँ, वैसे ना कहता मैं। कल रात रुकनिया मेरी घरवाली से कह रही थी खुद ही कि भाई थोड़ी बहुत पढ़ाई लिखाई और करके 4 पैसे कमाने लायक हो जाती तब उसका ब्याह होता तो सही रहता। ऐसा क्यों कहेगी, हम मर गए हैंगे का? वैसे रुक्मणी सही कह रही थी। कहा सही कह रही है जी? अब ये तो कोई उलट फेर भली ना ही कि जब तक बेटी 4 पैसे न कमावे घर में कुआरी बैठी रहे। अरे भाई अब भगवान ना करे कल को किसी के मर्द को कुछ हो जाए तो उसकी औरत को इस लायक तो होना ही चाहिए कि वो अपने बाल बच्चों को पाल पोस कर बड़ा कर सके। अब खराब टाइम कह के तो नहीं आता भाई। बात तो सही कह रही है ये। जम्मू रे उस्ताद, शहर से आई अफसर है, यही तो सारा चक्कर है। किसी बड़े बाप की बेटी होगी, देखी तुमने इसकी नई गरीबी होगी, मिल गया होगा कोई गड़ा खजाना। ऐसी बात ना का गया जमाना, होगी इंटर बीए एमए पास, काका गागा का नहीं था इसको ज्ञान। अरे बापू ठीक हो जाओगे, डॉक्टर साहब भी आ गए हैं। सांसें खींचो और जोर से। ठीक हो जाओगे जी? अरे ताऊ फिकर मत करो, जल्दी ठीक हो जाओगे। दिए 2 गोली सुबह, 2 गोली दोपहर में, 2 गोली रात को सोने से पहले दूध के साथ। इससे ताप उतर जाएगा डॉक्टर साहब? हाँ हाँ उतर जाएगा। डॉक्टर साहब आपके पास ना होगी दवा? अरे ये कितने की होएगी दवा? ये कोई 400-500 रुपए की। 400-500? ऐसा करो तुम मुझे 200 दे दो, मैं अभी अभी शहर जा रहा हूँ, वहां से लेता आऊंगा दवाइयाँ।
डॉक्टर साहब, आप तो कह रहे थे कि 400-500 की आएगी दवाई। मेरे पास अमेरिका और लंदन की डिग्री है ना, इसलिए मुझे 50% कंसेशन पर मिलती है दवाई। का कही डॉक्टर साहब? मतलब कि आधे पैसे लगेंगे और फिर गांव वालन के लिए 10-20 रुपए इधर उधर हो गए तो क्या हुआ? अरे डॉक्टर बाबू, हमारे पास तो 200 रुपए भी कोई ना, और अभी तो फसल का भी टेम कोई ना आए हो। 150 ही दे दो, जान है तो जहान है। ऊपर वाले ने जब ठान ही ली थी तो किसका बस चल तो। अरे अमरीकों का डॉक्टर बाबू भी ना ठीक कर सका दुनिया के बाजी को। अमरीका का डॉक्टर और मामूली बुखार ठीक नहीं कर सका? और रमेश भैया सब कुछ कर डाला, खेतन के गिरवी रख दिए। वो तो भला हो डॉक्टर साहब का, पूरे 2000 का खर्चा रहे, पर वो शहर से 50% पर दवाई ले आते रहे। अमरीका का डॉक्टर 50%? जरा वो दवाई तो दिखाना। तेरे पिताजी भी आए थे, भाऊजी भी आए, 10 दिन रहे, पर सबको अपने अपने काम हो गए हैं। कितने दिन रहते, यहाँ रहते तो खेत खलियान की देख रेख कौन करता? चले गए, हम पे पहाड़ टूटा है, हम झेलेंगे। क्यों कहती हूँ मौसी ऐसा, क्यों कहती हूँ? अरे क्यों ना कहो, एक नहीं दो दो पहाड़ टूटे हैं, अरे एक दुनिया के बाजी की बेमौत मौत का पहाड़, दूसरा हमारे सीने पे दुनिया की ब्याह की चिंता का पहाड़। चलो भैया, जे खा लेते तो क्या हो जाता? दो दवाई बची थी, जे भी खा लेते तो कहे को मरते, कहे को मरते। लेकिन मौसी ये तो पेचिस की गोलियां हैं, वो भी एक एक दो दो रुपए वाली। हाँ, डॉक्टर साहब कहा कर रहे थे कि बुखार बढ़ गया है, नीचे से ही उतरेगा। कहाँ है वो डॉक्टर, मुझे फौरन उसके पास ले चलो। आखिरी बारी दबा दे के गाँव छोड़ गए, कह रहे थे कि और पढ़ाई करने फ्रांस जा रहा हूँ, 6 महीने बाद गांव में अस्पताल बनाने की पढ़ाई करके लौटूंगा, तुझे डॉक्टर नहीं बना दूंगा। मौसी बुरा मत मानना, याद है मौसा से कोई 5 साल पहले मैंने कही थी कि चुन्नी को स्कूल भेजा करो, अरे जरूरत भर हिसाब किताब पढ़ना लिखना सीख लेगी तो घर के काम ही आएगा। लेकिन जानती हो मौसा ने मुझसे क्या कही थी? मौसा ने मुझसे कही थी, बेटा रमेश घर का भला लड़की के घर में रहने सही होवे। अरे पढ़े लिखो के घर मौत ना होवे है, कैसी बातें कर रहे है तू? वो डॉक्टर तुम तीनों को बेवकूफ बना गया, तुमसे 1000 रुपए ले गया और 10-20 की उल्टी सीधी दवा तुम्हें पकड़ा गया। और वो कोई फ्रांस फ्रांस नहीं, वो किसी और गांव में अनपढ़ जनता को 1000-1000 रुपए में मौत बेच रहा होगा। नहीं रमेश भैया, डॉक्टर साहब तो बहुत अच्छा। वो कुछ नहीं, अरे 5 दर्जा भी पास होती तो कम से कम दवाई का नाम और दाम तो पढ़ लेती, कम से कम उस ढोंगी डॉक्टर की चाल तो समझ जाती। पर भैया अब पछताए हो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत? गलत उस्ताद, भले काम में होती नहीं देर सवे, पर बेचारी के पढ़ने लिखने की उम्र गई थी भी। गई उम्र के लोगों में चली पढ़ने की रीत, बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम, सोता है क्या? आगे आगे देखिए होता है क्या। आगे कभी ऐसा नहीं होगा, पढ़ लिख लेगी तो, पढ़ लिख लेगी तो कुछ घटेगा नहीं, अलबत्ता ज्ञान ही बढ़ेगा। पढ़ लिख लेगी तो अच्छे बीज और अच्छी खाद की सही पहचान होगी, पढ़ लिख लेगी तो रुपया इधर पोटली और उधर घड़े में नहीं रखेगी, 2 पैसा बैंक में जमा करेगी तो 2 के 3 मिलेंगे
और जो बचत होगी सो अलग। तू पढ़ेगी तो तेरी देखा देखी दो चार और भी पढ़ लेंगी, खामो खा यहां वहां की नहीं हाकेंगी। पढ़ लिख लेगी तो किसी ऐरे गैरे के पल्लू नहीं बंधेगी। पढ़ लिख लेगी तो फसल औने पौने नहीं बेचेगी, अच्छी फसल की अच्छी कीमत वसूल करेगी। पढ़ लिख लेगी तो महीने में 1000-2000 का काम धंधा भी हाथ आ जाए करेगा। पढ़ लिख लेगी तो गांव समाज की कुछ काम ही आएगी। बोल जमूरे, ये सच था या सपना था? सच हो गया, सपना किसी का अपना था। एक चिंता मुझे सताती है, कुछ कुछ अपनी समझ भी आती है। चिंता है रह गई कुंवारी या हुई सुहागन, सही समय जब आया उतरी बारात उसके घर आगन। बाहर लोटा रखा है, मुँह हाथ धो लो तो मैं चाय बना दूँ। अरे 7 बज गए, चलो जल्दी तैयार हो जाओ, स्कूल चलना है। वो आपसे एक बात करनी थी। हाँ कहो। वो अब स्कूल में आप ही से पढ़ने में मुझे बहुत शर्म आएगी। शर्म? हिंदी टीचर की पत्नी होकर शर्म? शर्म शर्म भी नहीं, शर्म शर्म, समझी? हाँ हाँ वही वही। लोग का कहेंगे? लोगों को तो सब पता है। अरे बारात लेके गया था, 2 कदम दूरी सही, लेकिन तुम्हारे घर से विदा करा के लाया था। फिर भी संकोच तो होता है। देखो तुम अगर संकोच करोगी तो जानती हो क्या परिणाम होगा? लोग ये कहेंगे कि लड़की को तभी तक पढ़ाओ लिखाओ जब तक उसकी शादी ना हो जाए, और कल को जब तुम घर पे बैठ जाओगी तो जानती हो लोग क्या कहेंगे? लोग ये भी कहेंगे क्या मिलता है लड़की को पढ़ाने लिखाने से, चूल्हा चक्की बाल बच्चे यही तो करना पड़ता है, है? नहीं 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 नहीं, फटाफट तैयार हो जाओ, स्कूल चलेंगे। वैसे चुन्नी एक बात तो बता, तेरी शादी को 1 साल से ऊपर है गए, अब बच्चा बच्चा ना होया कर, या बीच में मेरे तो 2-2 बालक हो गए। सो तो है। वैसे ब्याह के बाद तो कुवारी की कुवारी रही। हाँ वो 10वीं की परीक्षा थी ना इसीलिए। अरे सुहागन की असल परीक्षा तो उसकी भरी पूरी गोद होए है। जमीन बंजर होए तो किसान भी 2-4 साल बाद जोतना बंद कर दे। हाँ चलो अच्छा है तुमने बात शुरू कर दी, वैसे बच्चे तो अपनी मन मर्जी से होने चाहिए। लो या की सुनो, अरे मर्जी ना हो तो ब्याह के आनंद से हाथ धो बैठो। अरे राधा सुन, ब्याह का आनंद के लिए दर्जन भर बच्चे पैदा करने जरूरी ना है। ब्याह का आनंद बच्चे पैदा करने में ना बल्कि कम बच्चे पैदा करने में है। अब 1 या 2 हो तो उनकी देख रेख, शिक्षा दीक्षा, खाना पीना सही ढंग से हो सके। अब ये क्या, पहले के पास पेंट ना हो, दूसरे के पास जूता ना हो, तीसरी की स्कूल की फीस ना हो सके, चौथा दवा दारू को रोए, और पांचवा खाना खाना रोता रहे, और छठा हर दम दूध को तरसे। अरे चुन्नी क्या है तो तू ठीक रही, अरे पर बच्चे पैदा हो जाया करे अपने आप। अरे राधा अब बच्चे ना पैदा करने की भी रोकथाम है अपने मन को मारे बिना। अच्छा, अरे पर मैंने तो सुनी है कि शहर में ही हो सके ऐसा। अरे गांव में भी हो सके। कल यहाँ शहर से एक दीदी और बाबूजी आएंगे, बाबू बड़द लोगों को और दीदी हम सबन को इसी रोकथाम के तरीके बताएंगे। अरे ना जी ना, अरे ऑपरेशन कर देंगे मर्दन का भी और औरतन का भी। अरे कोई ना करा रहे ऑपरेशन ऑपरेशन। अरे तू चिंता ना कर। तो मांग ले तुमसे एक भतीजा। भतीजा को, भतीजी को ना? अरे तुम्हारी उनन को तो लड़का ही पसंद होगा ना। ना जी ना, वो तो लड़की चावे। अच्छा उस्ताद, जमूरे पहले बूझोगे? नहीं बताऊंगा जो पूछोगे। पहले तुम बूझोगे या जनता? मालूम पड़ जाएगा, शुरू हो जा। रोटी जली क्यों, घोड़ा अड़ा क्यों, पानी सड़ा क्यों, फिर आना था, कटेल क्यों न खाया, डोम क्यों न गाया, गलाना था, समोसा क्यों न खाया, जूता क्यों न पहना, तलाना था, राजा प्यासा क्यों, गधा उदासा क्यों, लौटाना था, घर में अंधेरा क्यों, फकीर लौटा क्यों, दिया ना था, करेक्ट सर, मैं हारा या हारी जनता, फैसला आने दो धड़म पर का, तब तक क्या किया जाए, कुछ खाया पिया जाए, नहीं करना क्या कहानी पूरी, वो तो है खाने से भी जरूरी, मैं एक बात तुझको बतलाऊं, बोलो बोलो तब तक मैं सर अपना खुजलाऊं।
नारी का बड़ा मान सम्मान सहना पड़ा था पर उसको अपमान। आज सगरी बातन ने साफ साफ कर लेंगे। लो कृपा शंकर भी आ लिया भाई, आकी बात भी कुछ कम छोटी मोटी ना हो। आप दोनों को राम राम। राम 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 राम, 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 राम। वाह दोनों समाज सुधारक दिखाई ना दे रहे अब तक। भैया बुलावा तो भेजा सरपंच जी ने, अब देखो आवेंगे के ना। आगे कैसे ना, 20 साल से सरपंच रहेंगे हम, किसी की कहां मजाला जो हमारे हुक्म को ना माने। आप सभी बुजुर्गों को हमारी नमस्ते। नमस्ते सरपंच जी, राम राम मंगल चाचा। राम राम भैया। मास्टर जी तुम तो इधर को आ जाओ और अपनी औरत को कहो बैठ जावा यहाँ को। ना मैं खड़े ही ठीक हूँ। अब तुमने जब मर्दन औरतन के सारे फर्क मिटाई दिए हैं तो बैठो। याद है सरपंच जी, अरे 10 बरस से क्या ही ज्यादा हुए होंगे कि हमारे अपने घर की बहू बेटियां जो है वो हाथ भर का घूंघट काट के चले गए। देख चुनियो, तेने चिट्ठी पाती लिख के स्वास्थ्य केंद्र खुलवाई दियो, हमने कछु ना कही। अरे हमसे तो जो कुछ हुई हमने मदद ही करी तुम्हारी। हाँ वो तो है। मास्टर जी आप तो चुप रहो। और हाँ चुनिया, अब कहा सुनने में आ रही है? क्या? कृपा शंकर की बड़ी बहू कल अपनी मासू कह रही थी कि डॉक्टर लोग 10-10 मिनट तक हमारी छोरियन की नाड़ी देखे करे। नाड़ी तो डॉक्टर ही देखे। बात ना बोलतो, गैर मर्दन का हमारी औरतन का हाथ अपने हाथ में लेना हमसे बर्दाश्त ना होगा। देखिए ये सब अफवाह है। मास्टर जी आप तो चुप रहो। और देख चुनियो, ऐसी खबर फिर कोई सुनी तो स्वास्थ्य केंद्र में ताला लगवाए दूंगा। और सरपंच जी वो हमारे छोरा की बात। और हाँ चुनिया, तेने मंगल के लड़का की घरवाली से जैचों कही क्या बाको बंबई ना जान दे। अब दोनों पति पत्नी हैं, अब गांव में साथ रहे तो ही अच्छा है। अरे तुझे इससे क्या लेना देना, माँ लग रही है तुम्हारे छोरे की। अरे तू अपनी गृहस्थी संभाल और उसे अपनी संभाल दे। अरे जेनी मंगल के छोरा को कहरी बंबई मत जा, और राजा राम की छोरी से कहरी तू बीए करने शहर चली जा। वो बड़े साहब से कहके वो क्या कहते हैं वो स्कॉलरशिप दिलवा दूंगी। ये स्कॉलरशिप का हैगी? अरे कॉलेज की नंगी ड्रेस होगी और क्या। स्कॉलरशिप छात्रवृत्ति को कहते हैं, इसमें पढ़ाई लिखाई का सारा खर्चा सरकार द्वारा उठाया जाता है। मास्टर जी आप पता चुपाई रहो। तुम्हें तो यहाँ इसलिए बुलाया गया है कि आज हम जो भी फैसला करें वो तुम इससे कहो कि ये उस फैसले को माने, और ना माने तो डंडे के जोर पर मनवाओ इससे। देखिए ये हमारा आपसी मामला है। अच्छा जी, हम तुम्हारे मामले में टांग अड़ावे तो कहें आपसी मामला, और जब तुम हमारे मामले में टांग अड़ाओ तो समाज सेवा। देखो तो वाह उल्टी गंगा भारी महारानी। गांव के मरद तो घर में बैठे और औरतन चले शहर को कमाने। अब जाओ आप दोनों, और सुन चुनिया तू ठहरी लड़की जात वो भी अपने गांव की, और कोई होता तो वाको हुक्को पानी बंद कर देता मैं। देखो जी अब आप दोनों ये ढकोसला बंद कर दो तो अच्छा है। मैं तो कहूँ सरपंच जी कि आपके फिर से सरपंच चुने जाने के बाद सबसे पहले जो फैसला हो सो यो हो कि गांव की छोरियन और औरतन को बिगाड़ने वाले सारे काम बंद। सुन ले आप दोनों ने, बस 1 महीना और है मैं फिर से सरपंच बनने में। नमस्ते। जरा जरा से लौंडे लौंडिया हमारे सिर पे नाच रहे हैं। किए धरे पर फिर गया पानी, पर नहीं हुई है खत्म कहानी। भैंस के आगे बीन बजाओ भैंस खड़ी पगुराए। बंद हिम्मत बीन नगर भैंस को समझ आ जाए। कट नहीं सकता फूल की पत्ती से जिगर पत्थर का, टल नहीं सकता छोटी मोटी बातों से प्रेस सिकंदर का। अरे तार फास को मौत को बीमारी बीमारी में डाला करें। राम राम अम्मा बापू। अरे सोम। सोम अरे तू कैसे वापिस आ गए रे? बेटा बंबई ना गयो का हुआ? गयो था मैं। अरे फिर कहेगा भैया, 5 दिन पहले ही तो तेरा टिकट कटाया था। बापू सब एक ही बार में पूछ लोगे क्या, या मुझे सांस भी लेने दोगे?
पानी दूंगा। दू क्या, दे जल्दी कर। अरे बम्बई से प्यासा चला आ रहा है, जल्दी कर। इतनी मुश्किल से तो 3000 रुपया की नौकरी मिली होटल में, बाबू छोड़े आयो। तू ना जाने बापू, होटल के मैनेजर कहने लगो यहाँ काम करना है तो काकू का भी सप्लाई करने पड़ेगा। फिर क्या हुआ? होना क्या था, पुलिस ने पहले दिन धरने हुए। कछु हुआ तो ना बेटा, ठीक तो है? हमन ने सफाई दी तो बड़ा अफसर कहने लगो छोड़ दो, आदि मुजरिम ना है। बस पुलिस ने अपनी देख रेख में वापसी का टिकट कटवा के यहाँ भेज दिया अम्मा। अरे किशन कन्हैया ने लाज रख ली बेटा, लाज रख ली। अम्मा लता बिल्कुल ठीक कह रही थी। क्या कह रही थी? वाह कह रही थी कि तुम्हें कैसे ना कैसे बम्बई जाने से रोक लूं। बम्बई में बड़े बड़े बदमाश लोग अपनी तरफ के गांव के लोगों से पैसे के लालच में खतरनाक काम करवावे हैं। हाँ लो बताओ, और मैंने तो वाह छोड़ी से यही बात पे जाने क्या क्या कह डाली। शर्म तो ना आई उस बिन बाप की बच्ची को फटकार लगाते हुए। राम राम सरपंच जी। हियो कैसे? आपसे कुछ बात करना है। कहा बात करनी है? जे बताएगी, चल रही बता। बोल कृपा की बहू। आपको जो डाकघर की हम सबे की नबज देखने वाली बात बताई थी वो हमने झूठ कही थी। अच्छा तो तुम्हें चुनिया ने भेजो है? ना ना सरपंच जी, चुनिया ने तो हमें कसम दी थी कि हम किसी से भी इस बात का जिक्र ना करें। तो तने झूठ क्यों बोला? मायके से आदत पड़ गई है, वहाँ पे औरतन के पास खाली समय में कुछ काम धंधा तो रहता ना है। और जहाँ गांव में औरतें खाली समय में कोई सिलाई करे है, कोई कढ़ाई करे है, कोई अचार बने हुए और कोई पढ़ाई लिखाई भी करे है, सब लता दीदी के कारण। और स्वास्थ्य केंद्र भी है लता के कारण। हाँ और जे भी सुन लो सरपंच जी, स्वास्थ्य केंद्र में हमारी नाड़ी मरद ना महिला डॉक्टर नहीं देखे है। मरद डॉक्टरन की बहन जी करते जबान न थकती। हाँ और एक बात और सुन लो सरपंच जी, जो काम आप 20 साल की सरपंचगिरी में ना कर पाए और उस बिन बाप की बच्ची ने 5 साल में कर दिखायो। हाँ चलो री चलो जी। वैसे हम हर बार सभी की राय से सरपंच चुन लिए जावे, पर कभी हमने गांव की औरतन की राय जानने की भी कोशिश करी? जो हमारी राय सुबिन की राय। अच्छा एक बात बताओ मंगलदेव, चुनियों की समाज सेवा के खिलाफ तो भाई करना है ना, जो भाई दिन सुझाव रखा था। भाई एक बात तो हम कहें सरपंच जी, चुनिया के बारे में हम सभी गलत सोचे थे। वादिन सुनी सुनाई बातों में आके मैंने नबज नाड़ी के मामले में खामखा आपसे वाकू डांट लगवा दी, वरना वाई एक छोरी है जो काम करे। वैसे आज मैंने चुनियों के बारे में गांव की औरतन की राय भी जान ली। सो का है? अब वो तो कल ही बताऊंगा। बुजुर्गों, भाइयों, माताओं और बहनों, पिछले 20 बरस सु हमसे जो अच्छा बुरा बन सको हमने कियो, पर अब हम बूढ़े है रहे हैं और शरीर सु ज्यादे दिमाग सु बूढ़े, सो या बार आप हमें माफे रखो। आप सबन में से जो भी मेरी जगह लेना चाहे बाको स्वागत है, पर मेरी एक विनती है, अब जो मैं बोलूंगा वो मेरे शब्द नो है, हमारी माताओं बहनों के हैं, पर शब्द है सोने के पानी से लिखने लायक, वो शब्द है। सरपंच जी तुम पिछले 20 बरस में वो ना कर सके जो 5 साल में एक बिन बाप की बेटी ने कर दिखाया। आप लोग समझ गए होंगे कि वो बिन बाप की बेटी कौन है। अब मेरी छोटी सी राय ये हैगी कि हम सब सर्वसम्मति सु चुनियो ना 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 श्रीमती सन्हे लता को
अपनो सरपंच चुन ले। हाँ 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 जरूर, क्या तालिया। बाकी आप सबन की मर्जी। भाई फिर तो सरपंच जी आप ही चुनिया के गले में माला डाल के, मेरा मतलब श्रीमती स्नेहलता जी के गले में माला डाल के इनके सरपंच बनने की घोषणा कर दे। हाँ क्यों ना जरूर जरूर। आओ स्नेहलता। अरे भाई हमारे गांव में पहली बार महिला सरपंच हुई है, आप औरतन में से भी तो आओ, एक एक आओ और माला डालो। आ, आ, आ। एक माला मैं भी डालूंगा। हाँ डालो डालो डालो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भाइयों और बहनों मुझे तो समझ में ना आ रहा कि मैं क्या कहूँ, इसीलिए मैं तो बस इतना ही कह सकूँ कि अगर मेरे सरपंच बनने से आप सभी लोगों का भला हो सके और मुझे मुझे आप लोगों की सेवा करने का मौका मिल सके तो मुझे ये पद मंजूर है। बेवा, बेवा। ता जम्मू रे हुई कहानी खत्म, वो लेंगे लंचम कब, धर्म पार का फैसला जब आएगा तब। क्या हुआ इसका मतलब, बख्श दे जनता को अब, बहुत जल्द मिलेंगे फिर हम सब।